राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है। जगह जगह पर प्रदर्शन का दौर चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस भी प्रदर्शन कर अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। आज सिटीजन अमेंडमेंट बिल के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश कार्यालय से भाजपा मुख्यालय तक एक विशाल प्रदर्शन रैली निकाला, जिसमें नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय तक पहुंचे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें मांग की गई है कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल वापस लिया जाए। साथ ही साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद भी शामिल रहे। ऐसे में ये देखना होगा कि इस प्रदर्शन का सरकार पर कुछ फर्क पड़ता है या नहीं, और सिटीजन अमेंडमेंट बिल को वापस लिया जाता है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो हमारे पूर्वजों ने जो स्वतंत्रता सेनानी लोग उस संविधान के ढांचा को बनाया, और आज उस ढांचा को नींव हिलाया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है ये, किसी जात धर्म के आधार पर जो संविधान को बांटा जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज देश को गुमराह कर रही है नए नए बिल लाकर। आप देखिए देश की हालत आज क्या हो रही है, बेरोजगारी का यह हाल है कि पूछिए मत, और GDP पता नहीं 2 है या 2.5 है। संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है आज देश के, बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसे बर्दाश्त कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं करेंगे। BJP जिस तरीके से देश को बांटने का काम कर रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, जिस चीज पे सोचना चाहिए बेरोजगारी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है, और जिस तरीके से GDP के आज हालात है देश के अंदर, आप देखिए कि देश को बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया है। आप इसको देखते हुए BJP सरकार की इस तरीके की संविधान को तोड़ने वाली बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली से प्रिंस जायसवाल की रिपोर्ट।